या पुस्तकाचं प्रकाशन ज्यांच्या हस्ती झालंय ते देविंदर शर्मा आता आपलं मुख्य भाषण करतील. बहुत साल पहले जब मैं थोड़े अरसे के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में था तो मेरे एक पड़ोसी और बहुत डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट डॉक्टर डी एस बराड ने एक बात कही थी और वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा, पहले मैं इंग्लिश में बोल लूँ, डॉक्टर स्वामीनाथन ना तो भगवान है ना ही इंसान है, कहीं बीच में है. और मुझे लगा ये बहुत बड़ी बात थी और जब मैंने ये एक आर्टिकल में लिखा तो प्रोफेसर साहब जब मेरे पास आए तो बड़े हंसे कि देखिए मैं तो इंसान ही हूँ, मुझे क्यों ये भगवान के बीच में रास्ते में मुझे एड्रेस करना चाहते हैं या मुझे एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं तो सिंपल इंसान हूँ आपके सामने. तो उसमें जो ये वक्तव्य है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑनरेबल डॉक्टर स्वामीनाथन, मंच पर बैठे सभी हमारे महानुभाव और आप सब महाराष्ट्र के पुणे के डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स, आज ये बहुत सौभाग्य की मेरे लिए पर्सनली भी बहुत बड़ी एक इवेंट है क्योंकि आज से कई साल पहले 1996 में मैंने प्रोफेसर साहब को अपनी ही किताब की रिलीज के लिए इनवाइट किया था और मेरा ये मानना था कि किसी पॉलिटिकल आदमी के हाथ से किताब रिलीज नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर स्वामीनाथन के हाथ से किताब रिलीज होनी चाहिए. 1996 की बात मैं कर रहा हूँ और मेरा यह सौभाग्य था उस समय कि डॉक्टर साहब ने वो किताब मुझे भेंट की थी. आज इससे बड़ा मेरे लिए क्या ऑनर हो सकता है कि आज मुझे एक मौका दिया गया है अतुल जी द्वारा कि उन्हीं की किताब डॉक्टर स्वामीनाथन के ऊपर जो लिखी गई है डॉक्टर स्वामीनाथन को मैं पहली प्रति पेंट करूँ. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और इसके लिए मैं सदा याद रखूँगा आज का दिन जो है. आज हम ऐसे समय पर पहुँचे हैं, बैठे हैं, जब एक हम सब जानते हैं कि देश में एक बहुत भयंकर क्राइसिस है. लेकिन पहले उससे पहले क्राइसिस के ऊपर जाने से पहले हम डॉक्टर स्वामीनाथन की मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको ये पता चलना चाहिए, जानना चाहिए, शायद आप जानते भी होंगे कि कितना बड़ा उनका योगदान जो है कि आज सिचुएशन जो हमारे देश की है, जब हम शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस यानी जहाज से सीधा अनाज हमारे देश में आता था भूखों के पेट में, उधर से निकाल कर आज हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आज हम एक्सपोर्ट भी कर पाए और आज सिचुएशन ऐसी कि हम जिसको कहते हैं कि फूड सेल्फ सफिशिएंट है. मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हरित क्रांति जब आई थी तो ये छोटा मोटा तो काम नहीं था, ये इतना बड़ा जो काम था ये क्या पॉलिटिकल विल थी जो उसके कारण हो गया. तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक छोटी सी एक बात सुनाई जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि असल में जो इतिहास था वो एक सिर्फ कार की जर्नी में लिखा गया था. डॉक्टर साहब मिसिज इंदिरा गांधी को उस समय के प्रधानमंत्री को पूसा में एक इवेंट के लिए लेके आ रहे थे तो उस कार की जर्नी में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से पूसा जो है आप जानते हैं तो वहां रास्ते में मिसिज गांधी ने इनसे पूछा, श्रीमती गांधी ने पूछा कि डॉक्टर श्रीमती गांधी इनको प्यार से स्वामी कहा करती थी, बहुत आप जानते हैं कि बहुत उनके रिस्पेक्ट करती थी डॉक्टर साहब को. तो उन्होंने कहा स्वामी मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मुझे ये बताओ कि कैन यू गिव मी अ सरप्लस ऑफ 10 million tons इन ए कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या आप मुझे अगले 2-3 सालों में 10 million ton का सरप्लस दे सकते हैं अनाज का, कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ ग्रीन जो बीज आप लेके आना चाहते हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ. और सेकंड इन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब ने जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का बहुत उस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि कैन यू गिव मी अ सरप्लस ऑफ 10 million tons इन ए कपल ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ बिकॉज आई वॉन्ट द ब्लडी अमेरिकन्स ऑफ माई बैक, यानी अमेरिकन्स कैसे इनको उनकी वो आर्म ट्विस्टिंग हो रही होगी, किस तरीके से ह्यूमिलेशन हो रही होगी उससे वो निकलना चाहती थी. और डॉक्टर स्वामीनाथन ने कमिट किया उनको, यस मैम I will do it. ये बात 1967 की है और उसके बाद आप सब जानते हैं कि
कि मिसेस गांधी ने हाँ भरी, क्योंकि जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने कमिटमेंट किया और उसके बाद इतिहास रचा गया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी हमें आज समझने की जरूरत है कि कहाँ से हम आज कहाँ पहुँच गए हैं और किस चीज़ को हम आज याद कर रहे हैं। जब इनको अवार्ड मिला पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइज, तो मैं उसमें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, तो डॉक्टर साहब मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी उस जमाने के, उस समय के सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कुर्ट वाल्डहेम साहब होते थे, उनकी चिट्ठी थी और उसमें लिखा था कि यू आर ए लिविंग लेजेंड। ये डॉक्टर स्वामीनाथन के लिए था कि आज हमारे दुनिया में अगर कोई लिविंग लेजेंड है तो वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और ये मेरे ख्याल से हम सब इस बात को गर्व महसूस करते हैं कि आज वो हमारे बीच में है, हमें उनका बहुत बड़ा एक सानिध्य मिल रहा है। तो ये डॉक्टर स्वामीनाथन के जो इतिहास है, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं आपको पूरी शाम ही गुजार देता डॉक्टर स्वामीनाथन के इतिहास के बारे में या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताने के लिए। एक नहीं इतना है, इतना बड़ा कमिटमेंट है। आज मैं सुबह ही किसी से कह रहा था कि हमें याद होगा जब एक मिसेस गांधी के टाइम पर एक कैप्सूल दबाए गए थे राजघाट के पास, तो बड़ा पॉलिटिकल डिबेट हुआ था। लेकिन हम शायद नहीं जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट मूवमेंट ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का कैप्सूल गुआना में दबाया हुआ है, हमें मालूम भी नहीं है। देखिए कहाँ पर जाके उन्होंने गुआना में इनका रेन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है क्योंकि इनका इतना बड़ा योगदान था उसमें, उन्होंने वो वहाँ के फॉरेस्ट में वो इनके ऊपर कैप्सूल जो है वो निश्चय दबाया हुआ है। कभी कोई अगली जनरेशन आएगी वो देखेगी कि डॉक्टर साहब की क्या कंट्रीब्यूशन थी। कहने का मतलब है कि पूरा जो आज मुझे अगर मौका मिला है तो मैं आपसे इतना महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अभी और भी बातें आपको बतानी चाहिए कि डॉक्टर साहब की कहाँ कहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन है, और कहीं अंत ही नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, जब मिसेस गांधी ने 17-पॉइंट प्रोग्राम लिखा था, अगर आपको याद होगा 17-पॉइंट जो प्रोग्राम लिखे गए थे वो भी डॉक्टर साहब ने ही लिखे थे। उसके बाद जब वो उनके देहांत से पहले भी जो उनको एक मैनिफेस्टो लिखना था, जब आपको याद होगा उनके देहांत के बाद राजीव गांधी पावर में आए तो उन्होंने इलेक्शन कॉल की थी, तो एक्चुअली वो ऑलरेडी मिसेस गांधी चाहती थी इलेक्शन करना, क्योंकि वो रात को बैठकर फिलीपींस जाने से पहले डॉक्टर स्वामीनाथन से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा मैनिफेस्टो लिख के जाओ। तो ये जो विभूति आज हमारे सामने है, हमें शायद इनका योगदान जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ कि अतुल भाई ने बहुत इसमें मेहनत करके ये जो किताब आज हमारे सामने लाए हैं तीसरा एडिशन, उसमें ये सब बातें होंगी और भी कई बातें होंगी जो 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 ये हमारे सामने समक्ष रखना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आज अगर हम जानते हैं कि आज जो क्राइसिस है जिसके ऊपर अभी मुझे कुछ मिनट पहले डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि मुझे बहुत दुख है कि जिस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं, मैं आपको तीन उदाहरण दूंगा, तीन एग्जांपल दूंगा आपके सामने। कुछ हफ्ते पहले एक यंग कपल, पढ़े लिखे, उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपने हैदराबाद के पास आकर उन्होंने खेती शुरू की। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि खेती में कैसे खेती होती है, कैसे प्रोडक्टिव खेती होती है। 3 साल बाद दोनों अपने घर की छत से लटके हुए पाए गए और दोनों ने एक मैसेज छोड़ा कि हमें कोई किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की कि खेती करके दिखा दें कि खेती से भी जो जीविका है वो निर्वाह हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाए। आपके ही प्रदेश में कुछ ही महीने पहले लातूर में एक छोटी सी लड़की ने, 22 या 24 साल की लड़की थी, जिसने कुएं में जंप करके आत्महत्या की और उसने एक चिट्ठी जो छोड़ी उसमें लिखा था कि मेरे माता पिता मेरी शादी करने के लिए बहुत व्याकुल हैं, 2 साल हो गए हैं उनको मेरी शादी के लिए सोचते सोचते, और मैं जानती हूँ कि अगर वो मैं जो सारा प्रॉब्लम है मेरे करके है और अगर मैं रहती हूँ तो उनके ऊपर जो बोझ पड़ेगा या जो कर्जा पड़ेगा वो शायद ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, इसलिए उसने अपनी आत्महत्या की। साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अगर आप सोचते हैं कि पंजाब जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोग्रेसिव है और उसी को सब स्टेट्स फॉलो करने में लगी हैं, तो पंजाब का चित्रण भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में अभी हाल में ही 2-3 हफ्ते पहले एक किसान ने आत्महत्या की। उसने 10 लाख का कर्जा था उसके ऊपर, उसने अपने 5 साल के बच्चे को पहले तो अपने छाती से, अपने कमर से बांधा और फिर वो नहर में जंप कर गया। और उसने चिट्ठी में जो लिखा पीछे, उसने ये लिखा
जो चिट्ठी छोड़ गया कि मैं जानता हूं कि अपने 5 साल के बच्चे को मुझे नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बच्चा जो है ये अपनी पूरी जिंदगी में ये 10 लाख रुपए नहीं उतार पाएगा, और इसलिए मैं उसको साथ लेके जा रहा हूं। ये 3 मैंने जो सामने आपके चित्रण रखे हैं, ये अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जबकि हम जानते हैं कि 1995 से लेके अभी तक 3,30,000 के आसपास किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 3,30,000, 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं एक साल में, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। आप कभी सोचिए अगर 12,000 लॉयर्स वकील लोग आत्महत्या कर ले तो देश में क्या होगा, अगर 12,000 डॉक्टर अगर एक साल में आत्महत्या कर ले तो देश का क्या होगा, अगर 12,000 बिजनेसमैन एक साल में आत्महत्या कर ले तो आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे देश का जो सारा इकोनॉमिक मॉडल है उसको बदलने की जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब किसान मरता है तो हम सोचते हैं कि कहीं टिम्बकटू में है या कहीं अफ्रीका में है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है, हमें सबको मानना पड़ेगा, इसमें हम सबका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट है, कि जब हम नहीं उठ खड़े हुए कि आज किसान क्यों मर रहा है। 2-3 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक बात जो मैं अक्सर सुनता हूं कि किसान इसलिए मर रहा है क्योंकि उसकी पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा कहा जाता है कि उसकी इरिगेशन सिंचाई जो है कम है, सिंचाई बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पैदावार ज्यादा हो जाएगी। मैंने देखा बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि इरिगेशन बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। दूसरा कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है भारत के एग्री फार्मर्स की, तो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। भाई और बहनों, महाराष्ट्र को जब हम देखते हैं, महाराष्ट्र का जो हॉटस्पॉट है या सुसाइड बेल्ट है आज महाराष्ट्र की, हम सब जानते हैं, विदर्भ हो या मराठवाड़ा हो, तो बड़ा आसान होता है ये एक उसको चित्रण कर देना कि साहब ये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इरिगेशन हमारे यहाँ 18% है मात्र, और इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कमज़ोर है। प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे नीचे आंकी जाती है, तो भारत के कई क्रॉप्स की हम बात करते हैं। लेकिन इसी को अगर हम देखना चाहें, जो कि सारे स्टेट्स जो हैं, सारे राज्य हैं जो भारत के, वो पंजाब को कॉपी करना चाहते हैं। देखिए जरा समझें कि पंजाब का क्या हाल है। पंजाब में 58% अश्योर्ड इरिगेशन है, 98% अश्योर्ड इरिगेशन इन पंजाब। दुनिया के किसी देश में 98% के आसपास अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है। अमेरिका में, जिसको हम फॉलो करते हैं, अमेरिका में मात्र 11.4% अश्योर्ड इरिगेशन है। हम यहां कहते हैं मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, अरे हम तो किस्मत वाले हैं कि मानसून है। आप उनसे पूछिए जहां मानसून भी नहीं है, और वहां 11.4% अश्योर्ड इरिगेशन है अमेरिका में, और हमारे पास पंजाब में 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। एक बात तो स्पष्ट होगी, इरिगेशन होने के साथ साथ वहां की प्रोडक्टिविटी अब देखें। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि वीट की प्रोडक्टिविटी 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है पंजाब की, धान की पैदावार प्रोडक्टिविटी जो है वो 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि चाइना में 67 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। एक और अभी मैं आपको स्टडी आपके सामने रखता हूं, जो कहती है कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जितने भी यूरोप के भी देश हैं उनको मिला लें, तो सीरियल क्रॉप्स यानी गेहूं, धान, मक्का, इन सब की प्रोडक्टिविटी जब हम जोड़ते हैं तो पंजाब जो है वो दुनिया को टॉप करता है। पंजाब की प्रोडक्टिविटी दुनिया को टॉप करती है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो और जो मक्का है उनको मिला लीजिए, और जो बाकी हम पैरामीटर्स देखते हैं, ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, वो भी ऊपर वो कहीं ना कहीं टॉप करता है उस लिस्ट के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब प्रोडक्टिविटी भी सबसे दुनिया में ऊपर है, इरिगेशन भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो आप तो ये जो ये हमें बताया जाता है कि प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन ही एक फैक्टर, दो फैक्टर हैं, तो पंजाब का किसान तो बल्ले बल्ले, मतलब वाह वाह, बहुत ही प्रोग्रेसिव होना चाहिए। सच्चाई ये है कि हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं 2-3-4 किसानों की खबर जो है आत्महत्या कर चुके हैं नहीं पढ़ता अखबार में। तो ये क्या कारण है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी पंजाब का किसान आज आत्महत्या कर रहा है, और ये पंजाब जो है, मेरा ये मानना है कि अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ गया है आत्महत्याओं में। और ये क्यों है,
इसका मतलब ये साफ है कि प्रॉब्लम तो कहीं और पर है और हम सोल्यूशन कहीं और देख रहे हैं। प्रॉब्लम इनकम का है, उसको आज उसके पास इनकम नहीं है और वो जो इनकम है उसकी कोई बात नहीं करता। हम तरीका ढूंढते हैं कि साहब इसकी इनकम जो है, अगर हम और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो उसकी और इनकम बढ़ जाएगी। जो भी टेक्नोलॉजी बेचने आता है वो ये बताता है कि साहब मेरी टेक्नोलॉजी से इसकी इनकम बढ़ जाएगी। सिर्फ उसी की इनकम बढ़ती है जो टेक्नोलॉजी लेके आता है, किसान तो मर ही रहा है। और ये कितना लेवल है, अभी आपने सुना हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हम इनकम जो है डबल करेंगे अगले 5 साल में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा हो जाए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की इनकम है क्या किसानों की, पहले हम ये समझें। इकोनॉमिक सर्वे, मैं सरकार के ही आंकड़े बताता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2016 में ही लिखा है कि 17 राज्यों में भारत में जो किसान की औसतन इनकम है सारे साल की, वो 20,000 रुपये है। यानी हर महीने आधे देश में, 17 राज्य मतलब हो गया आधे देश में किसानों की जो आय है वो 1700 रुपये से भी कम है हर माह में। और अब मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने परिवार में देखें, आपके बच्चों की या आपके बड़ों की भी जो मोबाइल फ़ोन का बिल है वो 1700 रुपये से ज़्यादा होगा। कभी हम सोचें कि वो 1700 रुपये में किसान परिवार कैसे गुजारा करता होगा, सोचिए उसमें भी 5 सदस्य हैं। 1667 रुपये तो ये बनता है एवरेज, 1700 रुपये से कम मान लीजिए। आज आप 1700 रुपये में गाय नहीं पाल सकते, और ये परिवार किसान का कैसे पलता होगा मुझे नहीं मालूम, केवल मैं सोचता हूँ तो जरा कम कम ही होती है। ये तो आधे देश का हाल है। और अगर ये कहीं ना कहीं इतने सालों बाद देश में, आज 70 साल हो गए हैं हमें आज़ादी के बाद, अगर किसान को 1700 रुपये से कम इनकम मिलती है, और ये इसमें बड़ी एक अच्छी बात जो उसमें रिपोर्ट में है वो बड़ी अच्छी समझने की है। जब हम इनकम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसने बाहर बेचा, अपना जो भी उपज है उसने बाहर बेचा, लेकिन ये पहली बार आंकड़ा ऐसा बनाया गया कि जो उसने बचा के रखा अपने के लिए वो भी, और जो बाहर बेचा वो भी, दोनों जोड़ के बताया गया है आपको कि 20,000 रुपये उसकी इनकम है। अब ये हालात हैं इस देश के, और जो बाकी आधा देश, अब आप सोचेंगे कि उसका क्या हाल है। आधा देश भी आप मिला लीजिए, पंजाब जो कि मैंने आपसे कहा कि सबसे उत्तम है सबसे कृषि के क्षेत्र में, पंजाब की जो एवरेज इनकम है किसान की साल की, और उसको मैं अगर हर महीने के हिसाब से कर लूं तो वो 3,400 रुपये बनती है। 3,400 रुपये प्रति हेक्टेयर पंजाब के किसान की एवरेज इनकम निकलती है, नेट इनकम जिसको हम कहते हैं। और वो क्यों है, क्योंकि हमने डेलिबरेटली किसानों को दबाए रखा है, उनको इम्पॉवरिश रखा है। मुझे याद है 1996 में मैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन फाउंडेशन में चेन्नई में गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे अभी तक याद है उसका, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डॉक्टर इस्माइल सरागल्डिन आए थे। डॉक्टर इस्माइल सरागल्डिन CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के चेयरपर्सन थे उस साल। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, यानी मैं 1996 की बात कर रहा हूं, अगले 20 साल में यानी 2015 तक भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे उनकी जनसंख्या इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या उस समय भी 20 करोड़ थी, आज भी 20 करोड़ है। यानी वर्ल्ड बैंक ने पहले ही कहा था कि 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे। बहुत साल तो मुझे भी एक गलतफहमी रही कि वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है कि साहब ये वार्निंग है, सचेत कर रहा है, हमें अलर्ट कर रहा है। लेकिन जब मैंने 2008 का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ा, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो काम दिया गया था आपने किया नहीं, अब जल्दी करिए, जल्दी करिए, ये जो जमीन है उन लोगों के हाथ में है जो इनएफिशिएंट हैं, इनको निकालिए उस जमीन से और इनको शहरों में लाइए। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा लैंड एक्विजिशन करिए, लैंड रेंटल्स करिए, लैंड की जो सारा सिस्टम है इनको निकालने के लिए वो लेके आइए। और ये भी लिखा है कि जो नौजवान हैं खेती में उनको खेती के अलावा कुछ नहीं आता, तो उनको अगर आप गांव से निकाल के शहर में लाते हैं तो आपको वो जो
वो क्या करेंगे वहाँ पर, इसलिए आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नेटवर्क खोलने की जरूरत है जिसमें वो इंडस्ट्रियल वर्कर बन सकें, रोजगार कमाने के लिए कैसे जाके उद्योग में काम कर सकें वो आप उनको सिखाइए। ये 2008 की रिपोर्ट में था। 2009 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो उसमें थे, उन्होंने 1000 ITIs का प्रावधान किया, यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा, हमने उस पर पालन किया। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके की होनी चाहिए। क्यों नहीं हम लोग अपना दिमाग लगाकर, अपना विजडम लगाकर, अपनी सोच लगाकर एक ऐसा एक अपना इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बनाएं जो हमारे देश के हित में हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की दाद देनी होगी कि M.S. स्वामीनाथन ने जब चार्ज संभाला नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन का, तो उसमें वो सारी कोशिश की गई कि हम कैसे अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें एग्रीकल्चर में, कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए। ये पूरा मॉडल डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के अंदर है। और मुझे बहुत सौभाग्य था, कई बार मैं डॉक्टर साहब के पास जाता था जब मुझे इनवाइट करते थे उस रिपोर्ट बनाने के लिए। हम लोग बैठ के बहुत चिंता से उस रिपोर्ट को इतने साल लगाकर बनाया, किसी सरकार ने उसको पालन करने की कोशिश नहीं की। हम लोग सिर्फ शब्द ही शब्द बोलते हैं किसानों के लिए। किसान के सिर्फ दो ही रोल हैं इस देश में, या तो वो वोट बैंक है और या वो लैंड बैंक है। ये दो रोल हैं हमारे देश में किसानों के। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सारे देश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल पार्टीज पे दोष दे देते हैं, लेकिन हमें अपने आप पे भी कभी अंदर सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज संकट जो है खेती के ऊपर छाया हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब सोच लें कि भाई आफ्टर ऑल ये हमारी ही भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि हमारे पिछवाड़े में कोई अगर आत्महत्या कर रहा है या इतना बड़ा भयंकर डिस्ट्रेस है, तो उसकी तरफ हमारी भी कहीं आंखें खुलनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था जब महाराष्ट्र के किसानों ने अभी हाल में ही जब उन्होंने फूड सप्लाई बंद कर दी, रोक दी, तो साथ देखिए जो खबर हम इतने लोगों के मरने के बाद भी हेडलाइन नहीं बन सकी, वो दो दिन में ही हेडलाइन बन गई और सारा देश फिर किसानों के बारे में चर्चा करने लग पड़ा। इसका मतलब आपकी सोच वहीं तक ही है। अगर आपकी जो फूड सप्लाई या वैल्यू जो भी कहते हैं वो रुक जाए, तब तो चिंता आ जाती है सबको कि अनाज कहाँ से मिलेगा। लेकिन जब अनाज अच्छा मिलता है तो हम सब भूल जाते हैं कि जिसने दिया उसकी तरफ भी हमारा कर्तव्य है। तो भाई और बहनों, आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज जो है वो हमारे समक्ष खड़ा है। इसका कारण जो है सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कहा कि हमें पॉपुलेशन को शिफ्ट करना है, वो एक कारण था, एक और कारण भी है। बहुत साल पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, आप जानते हैं नोबेल लॉरिएट जो है, जिनको पीस का नोबेल लॉरिएट अवार्ड मिला था, वो भारत में जब भी आया करते तो बहुत सौभाग्य था मेरा, मैं उनके साथ जाया करता था। मुझे याद है एक हम पंतनगर में एक बार वो आए तो मैं उनके साथ था। उस साल पोलैंड के एक नेता है वालेसा, लेस वालेसा, उनको नोबेल प्राइज मिला था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर बोरलॉग से, कि डॉक्टर साहब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द नोबेल फॉर वालेसा, क्योंकि उनको भी पीस प्राइज मिला था और इनको भी पीस प्राइज मिला, कि क्या आप क्या सोचते हैं इस वालेसा साहब को जो अवार्ड मिला है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे लगता है कि आपको दो चीज़ों, दो जो मैंने आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ये दूसरा, सारा सिचुएशन स्पष्ट हो जाएगी कि आज किसान हमारा क्यों मर रहा है। उन्होंने एक मुझे बात कही, उन्होंने कहा एक्चुअली नोबेल कमेटी ने ये तय किया कि हमें देखना चाहिए कि वालेसा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं। उसकी एक छोटी सी कमेटी बनाई, उसके लिए उन्होंने वालेसा डॉक्टर बोरलॉग के अंडर चेयरमैनशिप के अंडर कमेटी बनाई। वो कमेटी पोलैंड गई, पोलैंड से आके बोरलॉग मुझे कहते हैं कि मैंने एक्चुअली रिपोर्ट दिया है कि वालेसा को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, और उनको ये नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, जबकि उसको नोबेल प्राइज तो दिया गया। तो उन्होंने कहा जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वालेसा जो है वो वर्कर्स का लीडर था, वो ये डिमांड कर रहा था कि वर्कर्स को सस्ता अनाज मिले, लेकिन वो ये भूल रहा था कि उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो वो सस्ता अनाज पैदा करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वालेसा जो है ही वॉज पिटिंग वन क्लास अगेंस्ट द अदर, तो ही डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज। और दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज दिया या कमेटी ने दिया, वो इसलिए दिया कि हमारी मानसिकता जो दुनिया की है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो ये है कि फूड जो है वो सस्ता होना चाहिए।
यानी इसका मतलब यह हुआ जो उसमें वालिसा ने देखा वो आज हमारे देश में भी हो रहा है। हम ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, हम चाहते हैं कि दाम ना बढ़े, तो किसानों को दाम देंगे ज़्यादा तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप और हमको सस्ता अनाज मिले इसलिए हम किसान को भूखा रख रहे हैं, और यही एक कारण है कि किसान मरता जा रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी आप जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए, चांद तक लेके जाइए, वो नहीं जी सकता। अगर 1800 रुपये उसको मिलने हैं तो मुझे बताइए वो कैसे जिएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये सातवां वेतन अभी आयोग हमारे सामने आया है, उसमें अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और साथ में 50 लाख पेंशनर्स के लिए सातवां वेतन आया। कोई दिक्कत नहीं है हमें। सातवां वेतन आयोग जो आया उसमें 1,02,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा हर साल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर आप सारे देश को देखेंगे, जब ये सातवां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होगा स्टेट्स में, PSUs में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो क्रेडिट स्विस बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि एडिशनल खर्चा 4,80,000 करोड़ रुपए का हर साल होगा। मुझे बताइए, किसी इकोनॉमिस्ट ने सवाल पूछा कि ये 4,80,000 करोड़ रुपए कहां से आएगा? किसी ने ये कहा कि भाई देश का जो है फिस्कल डेफिसिट जिसकी हम बात करते हैं वो बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि सारे के सारे बेनिफिशियरी हैं। लेकिन अगर आप किसान को अगर आप 50% जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन डिमांड करते आए हैं कि MSP C2 कॉस्ट, जो हमारे साथी बताएंगे आपको, C2 कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट मिले तो देश में हंगामा होता है। सातवां वेतन आयोग का 4,80,000 करोड़ रुपए मिले तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने गलती से कह दिया कि 4,80,000 करोड़ रुपए हम किसानों को देंगे तो इस देश में हाहाकार मच जाएगा। क्यों क्यों हम सोचते हैं कि वो हमारा भाई नहीं है? क्यों हम सोचते हैं कि वो हमारे जैसा इंसान नहीं है? क्यों हम सोचते हैं कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़िंदगी में? क्यों हम सोचते हैं कि उसके बच्चे जो है वो भी नहीं चाहते कि भी हम भी जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, या कम से कम, और नहीं तो आपके जो सिम्बियोसिस है यूनिवर्सिटी या FC कॉलेज है यहाँ आके पढ़ लें? क्यों नहीं? क्या उसकी इच्छा नहीं है कि सिर्फ ये अधिकार हमारा ही है? कभी हमने सोचा इस बात को? आज भी मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर हमने कहीं गलती से सरकार ने कह दिया कि हम 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों को देंगे, देखना आप क्या होता इस देश में। ये कहीं ना कहीं हम फिर देखते हैं कि ये किसान तो जी शराब पीता है, ये किसान तो लेजी है। मैं जब लिखता हूं ट्विटर के ऊपर कि आज 3 किसान मर गए, तो मुझे बड़ा अफसोस है आपके सामने ये एक्सेप्ट करने के लिए कि बहुत से लोग मुझे ट्विटर पर लिखते हैं इनको तो मर जाना चाहिए था। ये सोसाइटी है जिस समाज में हम रहते हैं, वही कहते हैं कि इनको तो मर जाना चाहिए था, इनको आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? ये तो बिल्कुल शराब पी के नशे में धुत होते हैं। मैंने कहा अगर शराब पी के ये नशे में धुत होते तो हमारा आधा जो शहर के लोग हैं चले गए होते अभी तक, अगर शराब ही कारण होता। हम भी जानते हैं कौन कौन शराब पीता है, ऐसी बात नहीं, छुपी नहीं हमसे। लेकिन किसान के ऊपर ही क्यों हम दोष देते हैं कि वो शराब पीता है? अगर उसने पी भी ली तो उसने देसी दारू पी होगी, जो आप लोग पीते हैं वो भी देख लो, ब्रांड तो देख लो। उसको हम बदनाम करते हैं, उसको हम, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि किसान जो है वो बिल्कुल निकम्मा है, वो देश के ऊपर बोझ बन चुका है। आज हमारा किसान देश के ऊपर बोझ है, चाहे हम माने ना माने। वो जमाना जब जय जवान जय किसान का था वो चला गया, अब तो ये है कि मर जवान मर किसान। ये जो सिचुएशन आ गई है, बहुत से लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर, आप जानते हैं। मेरा ये कहना है क्यों नहीं हम ये सोच बदलें अपनी। किसान अगर कमजोर है, अगर किसान कुछ नहीं करता है, तो पंजाब का जो राज्य है उसकी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? अगर हम कहते हैं कि ये निठल्ला है, ये काम नहीं करता है, लेजी है, तो मुझे बताइए कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी टॉप पे कैसे हो सकती है दुनिया के? कुछ तो हम समझना चाहिए कि भाई उस आदमी ने मेहनत करता है तभी आपका पेट और मेरा पेट भरता है। लेकिन भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम उस सोच में रह गए, हम उसको जो हमारे नैरेटिव जो है इतना छोटा सा बना दिया गया है कि भाई यही लोग जो हैं ये किसी देश में काम नहीं करते हैं। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रोफेसर स्वामीनाथन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कि भाई कॉस्ट के ऊपर कम से कम 50% दीजिए। और मैं जानता हूँ इन्होंने एक बार बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी, जब आप दवाई लेने जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वहाँ 500% एवरेज मार्जिन होती है, हम तो सिर्फ 50% प्रॉफिट मांग रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम 50% देने में भी कतरा रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि साहब खेती तो वैसे ही हमने बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, 10,00,000 करोड़ रुपए का जो है इसके अंदर कर्जा हम देते हैं। किसान को कर्जा नहीं चाहिए, किसान को इनकम चाहिए। अगर आप किसान को इनकम देंगे, कर्जा उसको भी लेना आता है।
जब आप और मेरे पास भी ट्विटर पे जब फ़ोन के ऊपर मैसेज आते हैं कि साहब आपको ये लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप अपनी हैसियत देख के बोलते हैं कि चाहिए कि नहीं चाहिए। किसान को बेवकूफ़ मत समझिए, जब आप उसको मैसेज भेजेंगे कि जब उसकी इनकम होगी तो वो भी आप जानता है कि मुझे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमें किसान को कर्जा नहीं देना, हमें किसान को इनकम देनी है। कहीं ना कहीं हमारी सोच में, देश की सोच में ये गैप रह गया। अगर आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, तो किसान की इनकम देखी जाती है कि हमने उसको कितनी इनकम दी है। हमारे देश में इनकम नहीं देखी जाती, हमारे देश में पैदावार देखी जाती है सिर्फ, क्योंकि सरकार का तो काम हो जाता है पैदावार से, तो उनको किसान का क्या होगा। और यही डॉक्टर साहब बोलते आए हैं, और यही मुझे लगता है कि अतुल ने जरूर इस बात पे एम्फोसिस दिया होगा कि भाई कि इनकम जो है उस पे फोकस लाने की जरूरत है। मैंने बहुत से पिछले हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होती है, जब वो मेरे से बात करते हैं कि आप क्यों बोलते हो कि भाई देश में किसानों को इनकम नहीं मिलती, 3, 4, 5, 6 जो भी हमारे पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं, हर एक से बैठ के जब बात होती है तो वो समझते हैं इस बात को कि वाकई ही इनकम की क्राइसिस है। लेकिन जब वो सलूशन पूछते हैं, और जब मैंने कहा कि मेरे हिसाब से सलूशन एक ही है कि अब समय आ गया है किसानों के लिए भी एक फार्मर्स इनकम कमीशन का गठन किया जाए, तब वो मुझे बोला जाता है कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बेहद बड़ा नंबर तो है, बड़ा देश है, यही देश है जो आपको वोट भी करता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मुश्किल होगा। 7वां वेतन आयोग सिर्फ 1% पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है। टोटल देश में 1.3% लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में निकाल दूं तो 1% जो है उसको सिर्फ 7वें वेतन आयोग से फायदा होता है। 7वां वेतन आयोग से 1% को फायदा होता है। इंडस्ट्री कहती है कि ये बूस्टर डोज होगा हमारे लिए, क्योंकि ये जब ये इनको तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी तो ये ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मूला है। आप ये देखिए, अगर हम 52% लोगों को पैसा ज़्यादा देंगे हाथ में, या उनको उनका जो ड्यू इनकम है, जो लेजिटिमेट उनकी इनकम है, वो अगर उनके हाथ में देंगे, तो मेरा मानना है कि देश में सिर्फ बूस्टर डोज नहीं होगा, रॉकेट डोज होगा। लेकिन हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहीं वो जो हमें इकोनॉमिक्स 101 में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स 102 में मैंने भी पढ़ा था, उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया हमने उसको पालन करना, उससे आगे नहीं निकल सकते। अरे क्यों नहीं हम 52% पॉपुलेशन को ऐसी एक इनकम दें जो कि कम से कम, जिसको कहते हैं गेनफुली एम्प्लॉयड हो किसान जो है अपने अपने गाँव में। अगर किसान गेनफुली एम्प्लॉयड होगा तो उसके साथ की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी भी चमकेगी। लेकिन हमारे कहीं सोच में नहीं आता, हम ट्रिकल डाउन में विश्वास करते हैं कि अंबानी की तनख्वाह बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, तो सारे देश की इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता, ये फेल हो चुका है। आज देश में कितने लोग हैं जिनकी इनकम जो है उस लेवल के ऊपर है। एक एक्सपेंडिचर सर्वे आता है साहब, एक तो आप NSSO का सर्वे देखते हैं, दूसरा एक एक्सपेंडिचर सर्वे भी आता है NSSO का। वो ये बताता है कि अगर आपकी इनकम 6% 6,000 रुपये शहर में पर मंथ 6,000 रुपये है, तो आप कंट्री के टॉप 5% में आते हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है। अगर आपकी 6,000 रुपये इनकम है, उसमें इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर है, अगर आप 6,000 रुपये हर महीने खर्च करते हैं तो आप टॉप 5% में आते हैं। तो जो मेरे घर के बाहर गार्ड बैठा है, एक दिन मुझे आके बोलता है कि साहब मैं टॉप 5% में आता हूँ। मैंने कहा तुम बिल्कुल 5% में आते हो, तुम भी आते हो और अंबानी भी 5% में आते हैं। आप देखिए, अगर 6,000 खर्चने वाला सिर्फ जो है टॉप 5% में आता है, तो देश की बाकी इकोनॉमिक जो सोच है वो ट्रिकल डाउन पे क्यों है? क्यों नहीं हम जैसे प्रधानमंत्री बहुत कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास तभी होगा, जो प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कहते हैं, कि अगर वही इनकम जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करें सबके साथ। क्यों नहीं उनको भी एक फायदा एडवांटेज मिले जो हम सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए देते हैं वो एडवांटेज? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है भाई और बहनों, वो तभी हो सकता है जब आप और मैं अपनी आवाज को बुलंद करें। आप और मैं भी ये डिमांड करना शुरू करें कि हमें अपने 7वें वेतन आयोग के साथ किसान के लिए भी एक वेतन आयोग चाहिए, या किसान के लिए भी एक इनकम कमीशन चाहिए। आप ये मांगेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे देश में हाल में ही या जल्दी ही एक इनकम कमीशन का गठन हो जाएगा किसानों के लिए। मुझे बोला गया एक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा कि साहब मुझे ये बताइए कैसे करेंगे। मैंने कहा सर एक इनकम कमीशन का गठन करेंगे, उनकी विजडम है, आप उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दीजिए, वो आपको बना के दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे समझ नहीं आया, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब सब ने कहा नहीं पॉसिबल हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो हम एक प्रयास करते हैं। मैंने 10 इकोनॉमिस्ट को, रिसर्चर्स को बुलाया देश में,
और उनको बैठ के हमने एक रिसर्च किया, हमने चार बैठक कर ली हैं, वर्कशॉप कर ली हैं, हमने जो चीज़ पाई है, मैं दो तीन बातें कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, हमने जो चीज़ पाई है वो जानने की जरूरत है कि हमारा ये मानना है जो रिपोर्ट हम लेके आ रहे हैं कि देश में हमारे जो किसान हैं उनको हर साल 12,80,000 करोड़ रुपए का चूना लगता है, ये उनका हक बनता है जो हमने डिप्राइव किया है, और उसका कैसे समाधान करना चाहिए, कैसे उसको फिलफिल करना चाहिए, ये हम आपको उस रिपोर्ट में बताएंगे। मेरा ये नहीं कहना कि आप कल ही 12,80,000 करोड़ रुपए लेके आ जाइए उनके लिए, लेकिन एक फेज्ड फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो ये पॉसिबल है, और उसकी हम पूरी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। और वो रूपरेखा स्टार्ट होती है जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्पेल आउट किया था कि MSP प्लस 50% जो है वो अगर मिलता है, वो एक तरीका है किसानों को सपोर्ट करने का, उसके अलावा और भी कई तरीके हैं किसानों को सपोर्ट करने के, और सब मिला लीजिए हम भी ये चाहते हैं कि वो 1700 रुपये जो किसान को मिलते हैं, मुझे लगता है कि सबको शर्म आएगी ये जानते हुए, आई भी होगी कि 1700 रुपये हमारे किसान को मिलते हैं, क्यों ना हम कम से कम, ज़्यादा नहीं हम मांगते, जो कम जो सबसे न्यूनतम जो सरकारी मुलाज़म को मिलता है 18,000 रुपये, कम से कम 18,000 रुपये तो मिले उसको, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसका परिवार नहीं है, क्या उसकी इच्छाएं नहीं है, क्या उसको अपने बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, क्या उसको हेल्थ नहीं देखनी है अपनी, कहने का मतलब है ये क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हम डेलिबरेटली वी हैव बिन जैसा मैंने अभी कहा अतुल जी ने, कि मेरा ये मानना है कि जब किसान खेती करता है तो वो सिर्फ पैदावार नहीं करता, वो अपने लॉसेस भी उसमें कल्टीवेट करता है। अगर आप देख लें तो बोरलॉग ने जो कहा था उस समय वो आज भी हो रहा है, हमने डेलिबरेटली प्राइसेस नीचे दबाए रखे हैं ताकि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे कंट्रोल में रहे और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जो है उस प्राइस पे मिलता रहे, लेकिन किसान सारा उसका जो बोझ है वो लेके अपने कंधे पर बैठा हुआ है। तो भाई और बहनों, आज हमारे सामने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मैं जानता हूँ कि ये एक पर्व है हमारे सामने, इसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि अतुल जी का जो आज तक मैंने इनका जो कमिटमेंट देखी है एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई और इनका कोशिश रहती है इन सब चीज़ों को लेके आने की, वो बिल्कुल सराहनीय है, उसकी हम दाद देते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि आज ये तीसरी जो उसका एडिशन है वो डॉक्टर स्वामीनाथन की बायोग्राफी का, ये आज हमारे समक्ष लेकर आए हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अतुल जी कि आने वाले सालों में चौथा, पाँचवा, छठा भी आएगा इसका संस्करण होगा, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन की बात को इग्नोर करना, मुझे लगता है कि वो हम अपने फ्यूचर को भी इग्नोर करते हैं, ये हमें समझना है। डॉक्टर स्वामीनाथन में एक बात जो है मैं बता देता हूँ आपको, मैंने उनको इतने साल से जाना है, डॉक्टर स्वामीनाथन के पास विजन है, और वो विजन मैं उनको कम से कम 30 सालों से देखता आ रहा हूँ, उनका वो विजन आज तो सिर्फ टेलीविजन रह गया, आज हम टेलीविजन के ज़माने में हैं और डॉक्टर साहब का विजन है, और वो जो विजन है वो आप, मुझे याद है कि जब 1980 के दशक में हम बैठ के बात किया करते थे, और आज भी मैं अभी जो चंद मुझे मिनट मिले हुए हैं उनसे बात करने के लिए, उसमें मैंने देखा डॉक्टर साहब की वो पीड़ा और वो सोच वहीं बरकरार है जो 30 साल पहले थी और जो आज मैंने सुनी है। मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है इस देश का कि हमारे समक्ष एक ऐसा इंसान है, जैसा कि मैंने डॉक्टर DS बराड़ को कोट किया था, ना तो हम भगवान हैं ना ही वो इंसान है, कहीं हम सबसे एक ऊपर दर्जे पर हैं, और यही आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशनसीबी है हम सब की कि हम उनको अपने समक्ष देख रहे हैं। और मैं तो उनको जब भी मिलता हूं, मैं आपसे बता देता हूं, चाहता हूं कि इतनी ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है कि मैं कई साल या कई महीने जो है उसमें गुजार लेता हूं, क्योंकि ये इतनी ऊर्जा मुझे और कहीं नहीं मिलती। तो मैं आपका साधना प्रकाशन के जितने साथी हैं उन सब का और अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी किताबों को एक लेके आना मार्केट में और ऐसा बड़ा समारोह करना, ये कोई आसान नहीं होता। अगर कोई करीना कपूर होती या डिम्पल कपाड़िया होती तो हॉल खचा खच होता और पब्लिशर भी भागते हैं उसकी तरफ, लेकिन ये जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी आप सबको मुझे लगता है कि एक मेरे अगर आग्रह पे आप करें तो मुझे लगता है कि साधना प्रकाशन को और अतुल जी को एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े अप्लॉज की जरूरत है। तो धन्यवाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन का, और मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि डॉक्टर स्वामीनाथन के जो विजन है, जो उनकी सोच है, हम जो हैं उनके साथी, जो पुराने कह लीजिए या अभी हमसे भी आगे जो अगली जनरेशन आ रही है, वी विल डेफिनेटली कैरी द आइडियल्स ऑफ व्हाट यू हैव बीन टेलिंग अस प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंड प्लीज़ बी श्योर दैट वी आर देयर, वी विल स्टैंड बाई यू फॉर ऑल टाइम्स टू कम। थैंक यू
Thank you very much, Professor Swaminathan and the other colleagues.